चलिए रुक करेंगे, इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां शिक्षा मंत्री डोटासरा का बयान सामने आया है, बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। जहां बड़ी खबर सामने आ रही है, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के स्कूल खोले गए हैं, बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा दें। अन्य कक्षाओं को खोलने का भी विचार जारी है, तो डोटासरा ने कहा है कि सीएम की मंजूरी के बाद ही कोई निर्णय होगा। तो कोरोना के मामले की अगर बात की जाए तो वो लगातार हम देख रहे थे पिछले कई दिनों से, थोड़ा सा ग्राफ जो है वो कम देखने को मिला है। ऐसे में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का बयान सामने आया, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के स्कूल खोले गए। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, कहा जा सकता है एक बड़ा फैसला लिया है, चूंकि चुनौती अभी भी है, स्कूलों को खोल दिया गया है, क्या कुछ जानकारी, डोटासरा क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं? जी देखिए, राजस्थान में जो बड़ी क्लास है यानी बड़ी स्टूडेंट्स वाली क्लास है वो खोल दी गई, यानी 9वीं से 12वीं क्लासें हैं वो अभी लग रही है, लेकिन 6ठी से लेकर 8ठी क्लास तक की स्कूलें हैं उनको खोलने पर विचार किया जा रहा है, और संभवतः अगले महीने यानी फरवरी से क्लास 6, 7 और 8 की स्कूलें शुरू हो सकती है। और जैसा कि डोटासरा ने बताया कि इस बारे में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे, वो लगातार कोविड-19 की खुद रिव्यू बैठक के जरिए समीक्षा कर रहे हैं, हालातों को जान रहे हैं, तो उनका ये बयान यही संकेत देता है कि अगले महीने से क्लास 6, 7 और 8 की स्कूलें खुल जाएगी, अभी पहली से लेकर 5वीं तक स्कूलें नहीं खुलेगी। फिलहाल राजस्थान में 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो क्लासें हैं वो बाकायदा लग रही है, और अब 6ठी, 7वीं और 8वीं की कक्षाएं शुरू करने पर विचार हो रहा है, और संभवतः अगले महीने ये छूट सीएम गहलोत की तरफ से दी जा सकती है कोरोना प्रोटोकॉल गाइडलाइन के जरिए खोलने की। बिल्कुल दिनेश, और देखिए ये बड़ी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि हम देख रहे हैं काफी दिनों बाद कोरोना काल के बाद, हालांकि अब वैक्सीनेशन जो है वो की जा रही है, लेकिन अभी उस आम जनता तक पहुंचने में उसे काफी वक्त लगेगा। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जब स्कूल का रुख करेंगे तो ऐसे में कोरोना गाइडलाइंस का पालन होना भी लाजमी है, तो क्या उसको लेकर किसी तरह की कोई मॉनिटरिंग हो रही है पहले से ही, जायजा लिया जा रहा है? जी देखिए, कल राजस्थान और राजस्थान के लोगों के लिए एक खुशी की खबर आई है कि 8 महीने बाद महज 24 घंटे में 85 पॉजिटिव केस कोरोना के रिपोर्ट हुए हैं। अब तक 3000, 2000, फिर 1000, फिर 500, फिर 600 इस तरह पॉजिटिव केसेज आ रहे थे, लेकिन कल मई में आखिर में 100 से नीचे केस आए थे, या फिर जनवरी इस साल की शुरुआत में ये खुशखबरी मिली है कि पर डे 85 पॉजिटिव केस रिपोर्ट हुए, और लगातार पॉजिटिव केसेज का जो आंकड़ा है वो शहरों में घटता जा रहा है, और 15 जिले राजस्थान में टोटल 33 जिले हैं जिनमें 15 जिले कोरोना फ्री हो चुके हैं, वहां यानी वहां एक भी पॉजिटिव केस अब रिपोर्ट नहीं हो रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे हालात सामान्य होते जा रहे हैं, और वैक्सीनेशन भी यहां पर जारी है, अभी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको वैक्सीनेशन का काम जारी है, उसके बाद जो अधिक आयु के लोग हैं जैसा कि गाइडलाइन है वैक्सीनेशन की उनको लगाए जाएंगे, तो कह सकते हैं कि अगस्त तक राजस्थान में हालात सामान्य हो जाएंगे, और हो सकता है एक भी जिले में पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट नहीं हो। तो इसके मद्देनजर सिनेमा घर जैसे सेंटर ने खोलने की अनुमति दे दी है, अब स्कूलें धीरे धीरे खोली जाएगी, और हालात बिल्कुल बिल्कुल। दिनेश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, राहत की खबर आपने दी है, चूंकि कहीं ना कहीं अभिभावकों में अभी भी जो डर है वो बना हुआ है, ऐसे में एक राहत की खबर यह है कि अब कोरोना का जो ग्राफ है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है।